अस्सलाम वालेकुम। हमने आज तक यानी कल तक 7 सबक हमने पढ़े, जिसके अंदर हरूफ़ तहज़ीब के हिस्से बनाकर तरतीब दी गई कि पहले सबक में क्या होंगे, दूसरे सबक में क्या होगा और तीसरे सबक में। इस तरह से 7 सबक पढ़ाए गए, जिसके अंदर आपके पूरे हरूफ़ तहज़ीब 37 हरफ आपके मुकम्मल हुए और उसके आगे 2 चश्मी वाले हरफ। अब इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा और किस तरह से लिखा जाएगा और इस शक्ल की हर्फ की बनावट कैसे इसकी मशक कराई जाएगी, तो सबसे पहले इसको पढ़ा जाता है ख, 2 चश्मे वाला ख पढ़ा जाता है। तो इसको लिखने की मशक, ये हर्फ बाद में पढ़े जाएंगे, पहले लिखने की मशक लिखेंगे इसकी। मेरे तरफ ध्यान देकर यहाँ पर ये आपकी बयास की लकीर है, आपकी ये बयास की लकीर है, उसके ऊपर किस तरह से लिखा जाता है। यहां से इस तरह से यानी इसकी शुरुआत यहां से हो गई और ये अंदर वापस जाकर यहां पर दोबारा यहां पर खत्म हो गई। दोबारा और मैं बोला इस तरह से यानी शक्ल इस तरह से होगी, यहां से शुरू होगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ से आगे बढ़ेगी और यहाँ आगे बढ़कर यहाँ पर ख़त्म होगी। इस तरह से इसकी शक्ल होगी खाम ख। इसकी लिखने की बनावट 1 से 2 बार थोड़ा और एक मतलब मश करेंगे इस तरह से। तो ये 2 चश्मे हर लिखने की मश होगी। अब ये हर्फ हरूफ़ तहज़ीब के अंदर जिस हर्फ के अंदर मिलेगा उसकी शक्ल आकर में ख निकलेगी, उसकी आकर में ख निकलेगी। जैसे यहाँ पर हर्फ है ब, अब इसके अंदर 2 चश्मे वाला ब मिला तो इसको हम पढ़ेंगे भ। क्या पढ़ेंगे? भ, यानी हर्फ के आकर में ह की आवाज आएगी। कौन से ह की? 2 चश्मे वाले हर्फ की ह की आवाज आएगी। आपने देखेंगे इसको लिखना किस तरह से, 2 चश्मे वाले हर्फ, 2 चश्मे हर्फ, अब यहाँ पर हरूफ के साथ क्या करना है, हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर ये तो आपकी मशक हो गई, तो दोबारा यहाँ पर इनको किस तरह से लिखा जाता है यहाँ पर इसकी मशक में ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपकी बयास की लकीर है, इसके ऊपर हमें लिखना है किस तरह से। इसको लंबी लकीर खींचेंगे, इसके बाद यहाँ से आधे हिस्से से उसको गोल दायरा लेकर क्या करेंगे, उसको अंदर बाजू में मोड़ेंगे। क्या करेंगे? अंदर बाजू में मोड़ेंगे और उसके लिए एक नुक्ता देंगे। तो क्या बनाएंगे? भ, यानी 2 चश्मे हर्फ के साथ क्या मिला यहाँ पर हरूफ तहज़ीब का दूसरा हर्फ भ। तो ये दोनों मिलने के बाद इसकी हर्फ की आवाज़ आखिर में आएगी, उसको हम पढ़ेंगे भ। और एक मतलब अगला को इस तरह से लकीर होगी, उसको यहाँ से शुरू करेंगे, वापस लाकर आकर में यहाँ पर जोड़ेंगे, उसके नीचे 3 नुक्ते देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे ख। क्या पढ़ेंगे हम इसको? ख पढ़ेंगे। तीसरा अर्थ है ख, ख की लकीर इस तरह से लाएंगे और उसके उसके बाजू से यहाँ से आधा दायरा लेकर गोल घुमाकर करेंगे, यहाँ पर ख़त्म करेंगे और इसके ऊपर 2 नुक्ते देंगे, इसको हम पढ़ेंगे थ। क्या पढ़ेंगे हम इसको? थ। अभी चौथा अर्थ है थ, अभी थ किस तरह से लिखना है, जैसे थ के लिए लकीर हमने खींची इसी तरह से, और आधा दायरा लेकर करना है, अंदर बाजू में मोड़ना है और उसके ऊपर एक निशानी थ की निशानी देना है, इसको हम पढ़ेंगे थ। क्या पढ़ेंगे हम इसको? थ पढ़ेंगे। तीसरा अर्थ है, पांचवा अर्थ है झ। अब ये एक जैसी शक्ल में है, सिर्फ इसमें नुक्तों का फर्क है और उसके बाद की शक्ल है थोड़ी सी फर्क है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस तरह से शक्ल बनाएंगे, आधा झ वाली शक्ल बनाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 चश्मे वाला हाथ क्या करेंगे जोड़ेंगे और उसके नीचे एक नुक्ता देंगे। समझ में आएगा? तो आधा झ निकालेंगे
और उसके अंदर क्या करेंगे, दो चीज नड़ा हर जोड़ेंगे और उसके नीचे एक का देंगे, इसको पढ़ेंगे हम जो। इस तरह से ध्यान से देखेंगे इसको हम करना है, इसके अंदर दो चीज नड़ा हर गिनाना है और उसको तीन के देना छो, क्या बोलेंगे हम इसको छो। अभी ये दो हिस्से आपके नजर आ रहे हैं, इसकी शक्ल अलग है, एक दो तीन चार, तीन हाथों की शक्ल अलग है और तीन दो हाथों की शक्ल अलग है। यहाँ पर तीन छह हाथों को किस तरह से लिखना है आपके सामने बताएगा। तो दोबारा एक मरतबा यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बड़ी शक्ल में इन दो हाथों को बताऊंगा कि किस तरह से लिखना है, ध्यान देंगे। पहले घो लिखेंगे और वो इस तरह से लिखी आएंगी, यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से घो लेकर क्या करेंगे अंदर बाजू में घुमाएंगे, समझ में आने बाद इसको लकड़ी खींचेंगे, उसको यहाँ से लकड़ी जोड़ कर अंदर बाजू में घुमाएंगे। इसके बाद में इसकी शक्ल हो गई अनुजा की शक्ल, अनुजा लिखते हैं जब की आधी शक्ल लिखेंगे ऊपर की डंडी लिखी और उसके अंदर क्या करेंगे दो चीज सुनाना आपके अंदर यहाँ बोल जोड़कर क्या करेंगे इसके अंदर लिखेंगे। दोबारा और एक मरतबा इस तरह की शक्ल बनाएंगे, इसके अंदर हम जोड़कर क्या करेंगे इस तरह से इसको बनाएंगे, ये दो शक्ल क्या होगी यहाँ पर उसकी मशक्ल। अब यहाँ पर दो हाथ है इसको हम क्या बनाएंगे, पहला हाथ पे दो उसके अंदर मिला हुआ है दो हाथ की दो दो चश्मे दो दोनों को मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे ध, क्या पढ़ेंगे इसको हम ध पढ़ेंगे। इसी तरह से ध लिखा हुआ है, ध के अंदर दो दो चश्मे का मिला हुआ है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे ध पढ़ेंगे। इसको लिखा किस तरह से जाता है यहाँ पर आपको बताऊंगा। उसके सामने लिखना, ये हो गया ध, क्या हो गया ये ध। इस तरह से ध लिखेंगे उसके आगे दो चश्मे वाला हर इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ दोनों में क्या प्रयोग हो जा रहा है, यहाँ पर बगैर इस तरह की निशानी लकी नहीं है क्योंकि क्या करें यही से क्या करें इसको गोल घुमा, यहाँ पर बड़ी शक्ल क्या आप देखें सिर्फ ये शक्ल बताऊंगा इस तरह से ध्यान देंगे इस तरह से लेकर उसको आगे में घुमा, इस तरह से ठीक है इधर जाके दो चश्मे वाला पास हो गए और ये दो हाथ कुल आठ हाथ क्या होगा इसमें हमने लिखे हैं। इसके आगे के हाथ जो है ड ड ख ख ल म न अ व, ये हाथ है तो हम क्या करेंगे आज के लिए ये हाथों की क्या करेंगे हमें घर में इसकी मशक करेंगे। आप इसको किस तरह से लिखा जाता है आपके सामने बताया तो उसी शक्ल में क्या करेंगे आज इसको अच्छी तरह से लिखने की मशक करेंगे। तो ये तुम्हारे आठ सात हाथ के आठ हाथ के होंगे तुम्हारे दो चश्मे हर मुकम्मल हो गए। इसके आगे के हाथ कल समझाएंगे और इसको करना है आप घर में अपने जवाब की रहते हैं इसको करना है मुकम्मल करना है और इसकी आवाज़ पढ़ना किस तरह से उसका वीडियो भी इसके साथ क्या किया जाएगा आज दिया जाएगा। तो वीडियो पर ध्यान रखकर रूपों की बनावट को देखना है और उसके तलफ़ुज़ को सुनना है और उसको अच्छी तरह से याद करना है। आज के लिए ये सबक नंबर आठ, आज के लिए सबक नंबर सात हो गए, ये आठवां सबक है आज के लिए, इसको मुकम्मल आप अपने घर वालों के रेटे में मुकम्मल करें। अस्सलाम वालेकुम।